आज मैं शेयर कर रही हूँ चूर चूर नान की एकदम बढ़िया रेसिपी जो कि आप बड़े ही चाव से जा कर के होटल और रेस्टोरेंट में जा कर के इसको ऑर्डर करते हैं और बड़े ही मज़े से खाते हैं घर में बनाने से डरते हैं कि वो टेक्सचर वो स्वाद नहीं आता जो हम बाहर से जा कर के खाते हैं तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं क्योंकि आज मैं एकदम परफेक्ट टेस्ट परफेक्ट टेक्स्चर लेकर आई हूँ चूर चूर नान की रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी आपको ये मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी देती हूँ तो चलिए फिर शुरू करते हैं हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जैक अपने घर के में मैं ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गाय सबसे पहले हम एक बाउल में दो कप मैदे को बढ़िया से छान लेंगे आप मैदा सूजी जो भी लें छान कर ही लें जब भी आप रेसिपी बनाएं आप चाहें तो एक कप मैदा एक कप आटे से भी बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर एकदम बाहर वाला टेक्शर ला रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैदे का यूज़ कर रही हूँ स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी दो पिंच डालेंगे इसमें हम सोडा बेकिंग सोडा जो मीठा खाने वाला सोडा होता है ना बस वही है दो चम्मच डालेंगे इसमें हम रिफाइंड ऑयल दो से तीन चम्मच है उसके बाद इसमें मैंने डाला है तीन चम्मच दही फ्रेश दही लेना है खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम धनिया के पत्ते हल्के हल्के हाथों से बढ़िया से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि आटे के रेशे रेशे में जो चीज़ हमने डाली है सभी चीज़ बढ़िया से मिक्स हो जाए आटा जो आपका बनने लग जाएगा तो मानिए आपका मोइन परफेक्ट आपका लग करके तैयार है एकदम खस्ता आपके चूर चूर नान बन करके तैयार होंगी अब आप क्या करिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर के बढ़िया सा इसका एकदम सेमी सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लीजिए ये देखिए थोड़ा थोड़ा डो लगा पानी डाल करके मैंने इसका एकदम सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लिया है अब इस ये जो है आटा ऊपर से सूखे ना उसके लिए हम क्या करेंगे ना एक से डेढ़ चम्मच ऊपर से तेल लगाएंगे या घी लगाएंगे जो भी आप लगा सकते हैं लगाइए और इसको ढक करके साइड में रख देंगे हम दस से पंद्रह मिनट के लिए रेस्ट के लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है साइड में हम इसके स्टफिंग बनाने की तैयारी कर लेते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ पर चार मीडियम साइज़ के आलू को कद्दूकस करके लिया है और सौ ग्राम लिया है पनीर उसको भी कद्दूकस करके लिया है गाइस कद्दूकस करके ही लेना उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक बारिक करके काटा है कुछ बेसिक से हम मसाले डालेंगे आधा चम्मच है धनिया पाउडर थोड़ी सी डाली है मैंने मोटी कोटी मिर्च पाउडर अनारदाना हो तो बहुत बढ़िया टेक्शर आएगा ज़रूर से ज़रूर डालें आधा चम्मच मैंने अनारदाना लिया है थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम अजवाइन आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम जीरा स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक इन सब में से अगर एक आध ना भी हो तो कोई परेशानी नहीं है आप फिर भी बनाइए थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और लास्ट में निचोड़ेंगे हम आधा नींबू इसके बीज रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया दो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें सभी चीज़ों को बढ़िया से हल्के हाथों से हम यहाँ पर मिक्स करेंगे ये देखिए एकदम बढ़िया बाहर वाली स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है नहीं यकीन आता तो यहीं पर आप अपनी स्टफिंग को टेस्ट करके देखिए आपको मज़ा आ जाएगा स्टफिंग से ही मज़ा आ जाएगा चलिए सभी चीज़ें बढ़िया से घुल मिल गई हमारी स्टफिंग में स्टफिंग हमारे साइड में रखते हुए आटे को चेक कर लेते हैं आटा हमारा परफेक्टली एकदम रेस्ट करके तैयार है अब हम क्या करेंगे एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे उस पर बढ़िया से आटे को अपने फैला देंगे आटा हमने यहाँ पर सेमी सॉफ्ट लगाया था तो बढ़िया से हाथों की सहायता से ही आप फैला सकते हैं नहीं तो बेलन से भी आप इसको फैला सकते हैं तो मैं हल्का हल्का आटा डस्ट करते हुए हल्के हल्के हाथों से जो है जितना भी हमारा डो था सारे के सारे डो को हम बड़ी सी एकदम रोटी बना करके तैयार कर लेंगे रोटी से थोड़ी सी मोटी इसकी थिकनेस रहने वाली है पूरी पूरी हमने यहाँ पर बेल करके तैयार कर ली है अब इसमें हम लगाएंगे अंदर देसी घी जी हाँ आपको अंदर देसी घी लगाना है और हाँ लगाने में कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं चूर चूर नान तो भर भर के इसमें मैंने अंदर जो है देसी घी लगाया है उसके बाद इसके ऊपर हम जो है आटा या मैदा जो है स्प्रिंकल करेंगे हल्का सा डस्ट कर देंगे जिससे कि हमारी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल भी आपस में ना चिपके और इसको हल्के हल्के हाथों से हम यहाँ पर जो है फोल्ड करेंगे ये देखिए इस तरीके से और जब एंड है इसका बढ़िया से आप इसको चिपका दीजिए ये देखिए इस तरीके से और अब हम इसको कट करेंगे यहाँ पर आप चाहे तो इसमें से एक में से छः नान भी बना सकते हैं अगर आप छोटे छोटे बना रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पर चार नान ही बना करके तैयार कर रही हूँ और आप बस उसको उठाइए और इस तरीके से अंदर टक करते हुए इसको बढ़िया सी एकदम लोई बना करके तैयार कर लो जिसके अंदर हम यहाँ पर अपनी स्टफिंग भरेंगे ये देखिए इस तरीके से भर भर के स्टफिंग भरनी है कोई कंजूसी नहीं करनी है दो से तीन चम्मच भर भर के बढ़िया से इस अंदर स्टफिंग आ जाएगी और इसका मुंह चारों तरफ से बंद करते हुए ऊपर की ओर उठाते हुए इसको हम बंद कर देंगे और ये देखिए एक लोई हमारी तैयार हो गई है चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे इसके ऊपर हम लगाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया सफ़ेद तिल थोड़े से और थोड़े से लगाएंगे हम काले वाले तिल इन तीनों में से जो भी आपके पास एक चीज़ हो तो एक चीज़ से ही नान प्रिपेयर कर लीजिएगा नहीं तो दो तीनों चीज़ हो तो बहुत बढ़िया है अब हम इसको हल्का हल्का जो है हाथों से ही प्रेस करके बड़ा कर सकते हैं नहीं तो आप हल्का हल्का जो है बेलन लगा कर भी इसको बड़ा कर सकते हैं लेकिन हाँ आटा या मैदा लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा ये देखिए मैं बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलन जो है चला रही हूँ और हमारा नान बढ़िया बनकर के तैयार है इसकी जो थिकनेस है आधा इंच मोटा ज़रूर रखिएगा इसकी बैक साइड पे हमको पानी लगाना है अच्छे से ताकि जो हम जब इसको तवे पे डालें तो बढ़िया से ही चिपक जाए ये देखिए इस तरीके से और इसको हमको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से को खोने देना है क्योंकि ये मैदे का बना रहे हैं हम मैदा जो है अंदर तक बढ़िया से पकना चाहिए जी हाँ इसीलिए मैंने कहा है आपको कि लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पकने दीजिए ज़्यादा नहीं दो से तीन मिनट लगेंगे उसके अंदर अंदर ये बढ़िया से एक साइड से क्रिस्पी हो जाएगा हमारा नान तो आराम से टेक योर टाइम बढ़िया से इसको अंदर तक पकाइए और दो से तीन मिनट के बाद मैं इसको पलट देती हूँ ये देखिए मैं इसको यहाँ पर जो है पलट देंगे हम लोग और बढ़िया से एक साइड दूसरी साइड भी उसकी बढ़िया से हम क्रिस्प कर लेंगे दो से तीन मिनट लगा है दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे ना इसको जो है अब हम गैस की फ्लेम पर सेकेंगे क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो नहीं सीख पाते हैं तवे पर तो हम हल्की आँच पे इसको ऊपर नीचे करते हुए बढ़िया सा कलर आने तक सेक लेंगे अपने नान को ये देखिए कितना बढ़िया करारा करारा हमारे नान बन कर के तैयार हो रहे हैं तो गाइस कौन कौन ट्राई करने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है तो ये देखिए मैं सारे के सारे नान जो है इसी तरीके से करारे करारे बना करके तैयार करने वाली हूँ तो चलिए फिर सर्व करते हैं देर किस बात की लग रहे ना कितने बढ़िया और हाँ इस पर भर भर के बटर लगाना बिल्कुल नहीं स्किप करना है और बटर तो इसकी जान है तो लीजिए गर्मा गर्म हमारे नान बन कर के तैयार है कुछ मैंने बड़े बनाए हैं कुछ मैंने यहाँ पर छोटे भी बनाए हैं हाँ अब इसको बारी है इसको चूर चूर करने की ये देखिए इस तरीके से अभी थोड़ा गर्म है मतलब कि ये देखिए क्या बढ़िया लग रहा है कलर एक नंबर स्टफिंग एक नंबर टेक्सचर एक नंबर बस आप बनाइए और खाइए बताइए मुझे कि वाकई ही क्या ये ढाबा स्टाइल बने हैं या नहीं मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मैंने इसको सर्व किया है छोलों के साथ मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो